subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. तो बोल रहा हूँ कि मैं बार बार वही चीजें बताऊंगा जो लोग नहीं देख पा रहे होते हैं, जिन्होंने आज देखा है। तो सबसे पहले कान के इस सेंटर में से लिप के सेंटर में आपने ये स्केल रखना है। अच्छा, ये लाइन आप यूं भी रख सकते हैं, ये लाइन आप यूं भी रख सकते हैं, ये लाइन यूं भी रख सकते हैं। अगर बहुत पतला फेस है तो आप ऐसे नहीं करेंगे, और ज्यादा पतला लगेगा, ठीक है। एंड अगर आपका पतला फेस है तो सिर्फ आपको फिर यूं रखने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे ब्लशर लगाना है। तो मैं सिर्फ इनका अभी राउंड फेस है अनुष्का का, तो मैं इस तरीके से करके एक लाइन क्रिएट करूंगा, आपको विजिबल फर्क नजर आएगा। सी, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसी को, उसी ब्रश को लेके ब्लेंडिंग लाइक दिस, हल्का सा कलर यहां दिया और ये सी, तो मेरी ये कंटूरिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा से ये डार्क ब्राउन शेडो लिया। अच्छा, डिटेल से मैं भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहला मेकअप में बेस भी नहीं लगी हुई थी, बाकी सबकी हमने हल्की हल्की बेस कर दिए। सो अच्छा, अब मैंने दोबारा से ये मैंने ब्रश लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, हल्का सा मैंने यहां पे रखा और चिन पे, जॉ पे और चिन की साइड पे मैंने इस तरीके से ये लगा दिया कलर लाइक दैट एंड ब्लेंडिंग। मेक श्योर करें कि आप ब्लेंड करें, एक कलर से दूसरा कलर ब्लेंड हुआ हुआ, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये बहुत ज्यादा ब्राउन हो गया, तो मैं इसमें हल्का सा पिंक ब्लशर लूंगा, ये वाला पिंक और ये पीच, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डार्क है, अगर इसके ऊपर लगाऊंगा तो काला हो जाएगा। सो मैं ये वाला पिंक, ये पिंक और ये पिंक मिक्स करके एक बीच का पिगमेंट क्रिएट करूंगा स्माइल, और यहाँ पे हल्का सा मैं कलर दे दूंगा लाइक दिस सी, ठीक है। ये हमारा दोनों चरक, इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से हम लगाएंगे अगेन। ये मैंने लाइन क्रिएट की लाइक दिस, सुनो कंटूरिंग और बेस में तो ब्रेक पे चले गए, ओ ब्रेक पे जाने वाले, ओ माय गॉड। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, आई मेकअप तो शुरू करो ना, आई मेकअप। अच्छा, ओके। अच्छा, ये कर दिया मैंने, उसके बाद अब आई मेकअप करेंगे। हमने सूखा ब्रश उठाया और मैट फिनिश कलर, ये डार्क ब्राउन कलर लिया, डार्क ब्राउन कलर और ये पीच मिक्स किया एंड एक सॉलिड एक मैंने, सुनो ये पीच था, हाँ ये पीच, पीच ब्राउन, ये वाला पीच ब्राउन, हाँ ये लाइट पीच है, ये डार्क पीच है, पीच ब्राउन है और ये डार्क ब्राउन है, मतलब ये थोड़ा ब्राउन है, ब्राउनी पीच, और ये ऑरेंज पीची, हाँ ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे हाथ रखा सिंगल, मैंने ऐसे सॉकेट लाइन बनाया, क्या किया लाइनर का ब्रश उठाया एंड मैंने हल्का सा पानी लिया, मैंने इस तरीके से करके रोज वाटर हल्का सा लिया लाइनर के ब्रश में और गिर गया। क्या चाहिए मुझे नहीं, बताओ नहीं, क्या चाहिए, लाइनर 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 हुमा समीना कोई है इधर, शहजादी लाइनर दो प्लीज। अच्छा, ब्रेक पे चले जाते हैं, उसके बाद लाइनर अरेंज करते हैं। लाइनर लगाने के बाद आजो आजो दे दो भाई, कहाँ है लाइनर, लाए हो लाइनर रख, निकाल के दो, निकाल के दो, कितना टाइम है अभी हमें ब्रेक पे जाने में। सो अच्छा, दूसरी साइड पे भी हम जब तक ब्लशर लगा देते हैं, ब्लशर की तो मैं बड़ी जल्दी हूँ, तो हम ब्रेक पे लगा देते। देखो भाई मेरा लाइनर ले लो, ओके मिल गया, चलो ये ले सजा दिया, ओके। हमने लाइनर पानी कम लिया और लाइनर का प्रोडक्ट जो होता है वो ज्यादा हमें लेना है, ठीक है, इस तरीके से करके हमने लाइनर का ये ज्यादा ले लिया। अब हमने क्या किया, एक लाइन की आंख खोलेंगे, नीचे देखें, इधर से हमने एंड पर से एक लाइन ये उठाया इस तरीके से करके ये, और ऊपर इस तरीके से ले आए और उसको नजर नहीं आ रहा, एक मिनट, ठीक है, हमने ये किया। उसके बाद हमने क्या करना है, सूखे ब्रश के साथ, ये बिल्कुल इसमें कोई कलर नहीं है, उसको हमने ब्लेंड करना है, चलिए इस, और अगर आपको अब जमा हुआ लगता है तो दोबारा जिससे आपने सॉकेट लाइन बनाई है उससे आप उसको इस तरीके से और ब्लेंड करके फैला लें लाइक दिस सी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ब्रश उठाया, ब्रश को हल्का सा हमने गीला किया, गीला करने के बाद हमने ये गोल्डन आई शेडो, ठीक है, ये लिया और हमने आंखों नीचे देखिए इस तरीके से करके हमने आंख के ऊपर ये लगा दिया भाई, देखना होता है शॉट,
ठीक है हाँ। हमने ये लगा दिया उसके बाद ठीक है उसके बाद हमने क्या किया हल्का सा उसको इस तरीके से इस लाइन को हमने ब्लेंड कर लिया हाँ। क्योंकि लाइन ना विजिबल हो हाँ। क्या होगा क्या हो गया नहीं तुम क्या कह रहे हो ये वाली तुमने क्या बात इस लाइन विजिबल ना हो इस लाइन को हमने ब्लेंड कर लेना ये लाइन ना दिखे वैसे टेक्निक्स मेकअप की कितनी चेंज हो रही पहले होता था मेकअप यहाँ से शुरू होता था यस नोट करें यही बंदा इसी तरह से घा रहा होता था अगर आप 11 साल पहले की बात करें या 4-5 साल पहले की बात करें तो मेकअप यहाँ से शुरू होता था पहले यहाँ लगाते थे फिर कॉर्नर लगाते थे अब उल्टी हो गई ये चीज पहले आप ये पूरा आउटलाइन बनाते हैं आउटलाइन बनाने के बाद फिर अंदर फिलिंग होती है नहीं मैं आज वाला भी मेकअप बताऊंगा ना पहले शैडो हाँ लेकिन मैं ट्यूटोरियल्स भी देख रही हूँ अब पहले कॉन्टोरिंग पहले होती है फिर ये चीज अच्छा उसके बाद अब हम ब्रेक पे जा रहे लाइनर लगा दो जल्दी नहीं एक चीज बता आंख खोले और शेप अब जैसे शेप अब आपने इस तरीके से करके शेप लेना है सीधी आंख लंबा शेप बन गया थोड़ी बड़ी बड़ी भी लगी हाँ, बादाम जैसे वो ना तो अंदर ही अंदर आंख गोल हो जाती है हाँ। सो ये आपका शेप हो गया ओके अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते ब्रेक के जो कमर्शियल्स हैं वो हमें लेने तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ वाजिद खान से ब्राइडल मेकअप सीखने के लिए आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकती हैं करके देखिएगा गुड मॉर्निंग वेलकम बैक नाइस लुक एक्चुअली निदा यहां से छुट्टी पे चली गई है तो किसी स्कूल की प्रिंसिपल आई है अरे भाई मेरे आंखों में लेंस टूट गया हाँ, ओ, अच्छा ओ, और क्या अब मैंने लेंस उतार के मेरे पास और कोई लेंस क्या था नहीं वरना मैं इधर उधर कहाँ मैं इसको चश्मों के बगैर पूछ लीजिए ओके चलो टाइम नहीं अच्छा क्या है हमने करें जिस काम के लिए आया ठीक है ओके सो अच्छा अब हम क्या करेंगे हमने दोनों आई मेकअप अच्छा क्या है कि हमने ये कर लिया इस तरीके से हमने लाइनर लगाएंगे कॉर्नर बना लिया अब हम लाइनर हाँ। देखें पूरी आंख पे हम लाइनर लगाएंगे बारीक सी लाइन लैश के साथ साथ एज यू कैन सी ठीक है बिल्कुल पतली लाइन हमने लाइनर की लगाई है उसके बाद हमने क्या किया हमने आईलैश को उठाया मस्कारा हमने पहले लगा दिया अच्छा लैश अगेन दोबारा से मैं बताऊंगा 3D आईलैशेस लगाने से पहले आप मस्कारा कर लें ठीक है चाहे आपकी लैशेस 3000 की हो चाहे 2000 की हो चाहे 6000 की हो आप लैशेस का एंड जरूर काट लें जब बहुत बड़ी आई लैश लगाते हैं तो आपकी आंखें भेंगी लगने लगती हैं हाँ आपकी आंखें फ्री भी लगने लगती हैं तो आप उसको काट लें और काटने का तरीका क्या है कि आपने जब लैश निकालते हैं तो लैश का जो एंड का कॉर्नर होता है इनर साइड अंदर वाला नहीं बाहर वाली साइड का उसके आपने इस तरीके से करके एक ये काट लेना आपने ताकि वो नेचुरल लुक आए ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है मस्कारा कम निकालो वहां पे मस्कारा आपने इस तरीके से करके लगाया ठीक है आपने ये मस्कारा लगाया ठीक है उसके बाद आपने क्या किया लैश को इस तरीके से पकड़ा और ये लैश गम मैंने निकाल के रखा है लैश गम इस तरीके से करके पूरी आंखों पे आई लैश के ऊपर लगाना है अच्छा आप किस जैसे फिंगर से आप लगा रहे हो आप और किस किस औजार आप से ब्रश के साथ ब्रश के इसके ना इसके टिप से लगा सकते हैं अच्छा ये लेके इस तरीके से करके लगा सकते हैं इस तरीके से कर सकते हैं सही और बहुत सारे अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है हल्का सा इसको सूखने का वेट करेंगे जब सूखने लगती है तो ज्यादा अच्छा चिपक जाता है अदरवाइज क्या गीले पे आप लगाते हैं तो आंख के नीचे आ जाता है आंखों के नीचे चिपक जाता है बंद हो जाती है आंख तो वो बुरा लगता है अब मैंने क्या किया आंखों ने और नीचे देखे ये मैंने लैश के ऊपर यूं रखा ऐसे और सिंपल ये देखिए मेरी लैश चिपक गई सामने देखिए ये मेरी लैश चिपक गई ठीक है उसके बाद क्या किया जो नीचे वाली लैश है उसको मैंने हल्का सा इसके साथ अटैच कर दिया और ये मेरी लैश चिपक गई ठीक है ये प्रैक्टिस से आती है सीरियसली ये दिखने में आसान लग रहा है पर वाकई है नहीं वाजिद मैं आज तक अपनी लैश खुद नहीं लगा सकती अच्छा ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ बहुत आसान है एक दो दफा करेंगे तो आपके आ जाएगा अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है अगेन आपने एक ब्रश उठाया एंड डार्क ब्राउन वाला शेड जो है डार्क ब्राउन पीच ब्राउन वाला आपने ये उठाया और सूखे ब्रश के साथ ऊपर देखिए आपने भर के इस तरीके से पूरी आंख के नीचे लगा दिया शुरू से आखिर तक मैंने कोई आंखों के आगे गोल्डन इसलिए नहीं दिए आंखों के आगे गोल्डन देने से आंखें बहुत इस तरीके से हो जाती है दबी लगती है सॉरी एक मिनट बाजे वंस अगेन 1 2 3 गो क्लोज कैसे आंखें ऐसी हो जाती हैं आंखों के आगे गोल्डन लगाने से तो मैंने कोई गोल्डन इसलिए नहीं लगाया तो मैंने डार्क ब्राउन शेडो पूरी आंख में ऊपर देखे यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक इसलिए लगाया कि आंखें आपकी खुली और बड़ी लगे
ये इस तरीके से करके सी नहीं बाजी, तुम आज मुझे गोल्डन शेड लगा के दिखाओ, नहीं तो आंख नहीं हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आंखें मैंने इसलिए आगे तक लगाया है कि आंखें खुली भी। अच्छा ब्राउन शेड इसलिए लगाया कि आंख बड़ी, आगे तक इसलिए लगाया कि अगर यहाँ पे मैं सिल्वर या गोल्डन लगाऊंगा तो आंख बहुत छोटी क्यों हो जाती है। ओके उसके बाद मैंने क्या किया, आज मैंने बोला था कि आज मैं बड़ा अच्छा शो करूंगा, तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, एंजॉयमेंट भी हो रही है और शो भी हो रहा है। ओके उसके बाद मैंने क्या किया, एक पतला सा ब्रश लिया, ठीक है, और मैंने ये काले रंग का शेड उठाया, काला डार्क ब्राउन, बिल्कुल ये काला ये और डार्क ब्राउन मैंने ये लिया। और उसके बाद ऊपर देखिए हीरा, आप क्लोजअप बना लें जल्दी, ठीक है, कैमरामैन के नाम हीरा नहीं है। अच्छा ऊपर देखिए ये हल्का सा बिल्कुल लाइन आपने ये देखिए इस तरीके से करते, ठीक है। अब दोनों आंखों में फर्क देखें, एक डीप हो गई है, एक में डेप्थ आ गई और एक में हल्का सा वो है, सी सो हल्का सा डार्क ब्राउन इस वाली आंख पे भी, मतलब तुमने लाइट शेड लगा के भी ऊपर दोबारा दूसरा डार्क शेड लगाया, डार्क शेड लगा ताकि उसमें एक डेप्थ ही आ जाए, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये ब्रश उठाया, हाँ, नाक की कॉन्टोरिंग के लिए डार्क ब्राउन मैट फिनिश शेड उठाया और मैंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक मैंने कॉन्टोरिंग कर दी लाइक दिस, ठीक है, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक कंटूरिंग कर दी, हाँ, शेप दे दिया लाइक दिस, ठीक है, और ये मैंने कर दिया, ठीक है, हाँ। उसके बाद मैंने क्या किया, हल्का से इधर किया, अच्छा अब मैंने उठाया आईब्रो का शेडो ब्रश, सॉरी आईब्रो का ब्रश उठाया, ये वाला ब्रश मैंने उठाया, कट ब्रश उठाया, उससे मैंने अगेन ये डार्क ब्राउन शेड लिया आईब्रो के लिए, हल्का से ब्रश को गीला कर लिया, ये मैंने लिया, ये मैंने लिया, बस सॉलिड लाइन मैंने एक अगेन ये सॉलिड लाइन मैंने एक नीचे बनाई इस तरीके से करके ये, और यहाँ पे किया और उसके बाद उसकी मैंने ब्लेंडिंग कर दी लाइक दिस। मेक श्योर करें कि उसको ब्लेंड कर लें अच्छी तरीके से, लाइनें ना रहे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। दूसरी वाली भी इसी तरीके से करेंगे, जैसे तुम कहते हो ना लाइक कुछ ही कुछ लोगों को डार्क आईब्रोज नहीं पसंद, हाँ, तो वो लोग क्या करें, अच्छा वो क्या करें, अच्छा कलर हल्का सा लगाएं, हाँ, बहुत हल्का सा, बिल्कुल ना होने के बराबर, उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट मस्कारा मिलता है, ठीक है, उससे आप आईब्रो को सिर्फ इस तरीके से शेप दे दें फिर, ताकि जो पाउडर गिरा होता है, जो सारी चीज होती है वो क्लियर हो जाए, तो आपके आईब्रो फिर नेचुरली लगते हैं। लेकिन हल्का सा कलर, अच्छा बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना, तो हल्का सा कलर इसलिए लगाएं ताकि इनहेंस हो जाए आईब्रो, ठीक है, इस तरीके से करके देखें, ये देखें, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगेन मैं हाईलाइटर लगाऊंगा, अच्छा हाईलाइटर ये फैन ब्रश लिया, ये हाईलाइटर लिया और मैंने हाईलाइटर क्या सिर्फ इधर पे लगाने, चीक बोन्स पे, ये सी लाइक दिस, ये एंगल है ताकि आपकी स्किन ग्लो करे, जब इस एंगल पे स्किन चमकेगी तो आपका फेस वैसे ही लंबा लगेगा, अगर मैं इस एंगल पे लगा दूंगा तो आपका फेस चौड़ा लगेगा, ठीक है। सो अगेन ये देखिए मैंने ये लगा दिया, हल्का से यहां लगा दिया, हल्का से यहां लगा दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैक वाला ये, ओके मैंने ये वाला हाइलाइटर उठाया अपना वार्म गोल्ड वाला थोड़ा सा, और मैंने ये नाक के सेंटर में हल्का सा यहाँ लगा दिया ताकि ये जगह हाईलाइट हो जाए और मेकअप में मेरे चार चांद लग जाए। यस ये देखें सी ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमने लिपस्टिक उठानी है एंड लिपस्टिक का मैं ब्राइट कलर उठा रहा हूँ, ये रेड कलर ही लगाऊंगा मैं, ठीक है, रेड कलर लगाऊंगा और लगा रहा हूं। उसके बाद मैंने क्या किया, ऊपर वाला होंठ बनाया इस तरीके से करके और मैंने
सबसे मुश्किल होता है रेड कलर लगाना ना, वो फैल जाता है इधर उधर, टेढ़ा मेढ़े हो जाते होंठ। अच्छा, उसके बाद मैंने दोबारा से यहाँ पे उठाया, मैंने इस तरीके से करके, इसको मैं अंदर साइड से चला रहा हूँ, ऊपर साइड से नहीं, ऊपर साइड से फैल जाती है। हाँ। तो अंदर साइड से आपको जितना बढ़ाना हो तो आप इस तरीके से आकर, रिपीट करो कि तुम कौन सी साइड से होंठ उठा रहे हो। ओके, अच्छा दोबारा से देखिए। ओके, क्या है कि जब भी आप होंठ बढ़ाने हो तो आप डायरेक्ट ऊपर से ना बढ़ाएं, आपने ब्रश को नीचे साइड से रखना और नीचे साइड से ऊपर बढ़ाना शुरू करना, लाइक दिस, तो आपकी होंठ बढ़ेंगे। अगर डायरेक्ट एक आउटलाइन ऊपर लगा देंगे तो वो खराब लगने लगता है। अच्छा, दिस इज टू ब्राइट, तो अब इसके अंदर मैं हल्का सा पिंक मिक्स करूंगा, ठीक है, हल्का सा पिंक, हल्का सा, ये वाला पिंक नहीं, स्किन कलर हल्का सा मैं डालूंगा बीच में, हल्का सा स्किन कलर डाल के इसको थोड़ा सा मैं डल कर दूंगा। फिर टू टू, ये देखें, ऊपर और नीचे वाले शेड में फर्क हो गया। सो मैंने, वो बहुत ज्यादा ब्राइट था तो मैंने उसको हल्का सा डल कर दिया। लाइट कलर दिया, लाइट कलर दिया, यस। सो हमारा ये फूल लगाए, हमने ज्वेलरी पहना दी और नथ मुझे दे दो, एक गोल्डन कलर की नथ होगी, नथ दे, वो दूसरा मेकअप शुरू कर दो, ये बच्चे पहना दे। सो दुपट्टा, मैं दुपट्टा भी बता दूं एकदम हल्का सा, आगे थोड़ा सा। ओके, दुपट्टा लेने के वो तरीके बताओ जिससे लड़की और स्लीक लगे और ठीक है। अच्छा, या बैठ के पहना, बैठ के, बैठ के। अच्छा, अच्छा पहले तो दुपट्टे को दोनों को आधा आधा कर लें, ठीक है, और जहाँ से सीधे वाले साइड आ गया, यूजुअली हम आगे रखते हैं और आगे आता है दुपट्टा, तो उसको बहुत ज्यादा लंबा ना करें, उसको हाथ तक ही रखें, ठीक है, उसको आप हाथ तक ही रखें ताकि ज्यादा कपड़ा इधर पे आपका वो ना हो, सही है, और दूसरी वाली साइड लंबी कर दें ताकि वो आप सोफे पे फैला सकें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, हाँ ये वाले तुम पहनाओ, आगे इसको कायन आपको दो। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, ये हमने रखा दुपट्टा इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, ये रखा हमने दुपट्टा पीछे जूड़े के ऊपर, क्योंकि जूड़ा पीछे बड़ा बनाने का मकसद ही यही है कि सर पीछे से बड़ा लगे दुपट्टा, ताकि पफ आगे से ना छुपे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।